उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक बंदर ने पेड़ पर चढ़कर नोटों की बारिश कर डाली। विकास भवन स्थित रजिस्ट्री दफ्तर के बाहर उस वक्त लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा जब एक बंदर पेड़ से नोट बरसाने लगा। पेड़ के ऊपर से 500 के नोटों की बारिश होते देखकर लोगों का वहां तांता लग गया। लोगों ने बाद में नीचे गिरे पैसे बुजुर्गों को वापस कर दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले आगरा में भी एक बंदर ने गाड़ी से रुपए निकाल कर लुटाए थे। कल घटना में ये हुआ कि भगवान दीन ने अपनी जमीन बेची थी और बिंदेश्वरी ने खरीदा था। उन्होंने भगवान दीन को पैसे दिए 1,00,000 रुपये। उनके हाथ से बंदर आया, छीन कर लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, फिर ऊपर से धीरे धीरे डालता रहा। उसमें से 4-5 हज़ार रुपये लगभग कम निकले और बाकी फटी नोटें निकली 40-50 नोट। और धीरे धीरे कर बीनते रहे। घटना लगभग 20 मिनट तक चलती रही। दरअसल रजिस्ट्री कार्यालय पर जमीन बेचकर बाहर निकले बुजुर्ग के हाथों में नोटों की गड्डियां देखकर बंदर ने झपट्टा मारा। उसे वह कोई खाने की चीज लगी में वह 500 रुपए की गड्डी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ से वह नोटों की बारिश करने लगा। बंदर की इस करतूत का वीडियो लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। अरे